हाजिर हो में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहे हैं राजू श्रीवास्तव। जो जो इंसान तरक्की कर रहा है, साइंस आगे ले जा रहा है इंसान को, लेकिन हम सबके पास समय की कमी होती जा रही है, आजादी कम होती जा रही है। आदमी इतना बिजी होता जा रहा है, अब तो हर जगह रूल्स रेगुलेशन के साथ बैठो। अरे यहां कहां बैठ गए, यहां बैठना मैंने या नहीं बैठते? अरे यहां कहां खड़े, सिक्योरिटी एरिया है। अरे सुनिए, आपका शेडो आ रहा है, हेलो एक्सक्यूज मी, आप इधर आइए, आप नो नो यहां बैड मैनर्स, यहां कहां चले गए, इधर आइए, इधर खड़े नहीं हो सकते, वहां बैठिए। अरे हाँ, सगे भाई को सगे भाई से मिलना है, अपॉइंटमेंट्स। भैया गुड मॉर्निंग, आज मिलने आ रहे थे। अच्छा, आ सकते हैं नेक्स्ट वीक? ओके ओके, बिजी है अपन। पहले स्कूटर मारा भर, भाभी नमस्ते, और क्या बनाया, क्या खा रहे, बड़ी खुशबू आ रही है, एक मिनट तो चटनी का है। अरे गुड्डू, अब वहां भी मन कर रहा है ऐसे खाऊं, यूं करके, यूं खा के, भूखा आदमी यूं खाऊं, मगर बैड मैनर्स। भाई बहुत बड़ा आदमी है, क्या क्या सोचेगा, भाभी क्या सोचेगी, वो तो यहीं की है, तो उसके सामने भूख लगी थोड़ी, हेलो स्पून दी, दो चावल है इसमें, दो चावल, अब पेट भर ही नहीं रहा चावल। स्पून भाभी कैसी है? आई एम फाइन, आई होप यू एंजॉयिंग। वो हर चीज में समझती गंदगी है। भैया को पानी धो के दो, पानी बह रहा है नल से, बह रहा है, साबुन लगा लगा पानी को धो रही, नल से पानी गिर रहा है, तो गिर रहा है, सर्फ लिया, सर्फ लिया, पानी रगड़ रगड़ के धोया, जो गिरा गिलास में भर के दे दिया। अब खाना खाना बहुत मुसीबत का काम हो गया। तो किसी होटल में जाते थे खाने, बोलता आइए बाबू जी, क्या ले गया, रोटी वहीं बना रहा, उछाल उछाल के, रुमाली रोटी यूं डाला, यूं डाला, यूं सर उछाल दिया, वो ऊपर गई, आइए क्या खाएं, गरम खाना, सब सलिया सलिया डाल, आइए लीजिए, आइए गरम गरम आया, वहीं बैठे, जहां बैठा है वहीं गरम गरम बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छौंक पड़ रहा है, फ्राई, घी की खुशबू आ रही। फाइव स्टार होटल में ये मजा नहीं, बड़े बड़े होटल, वहां तो सिस्टमैटिक, मेंबर्स के लिए अलग फैसिलिटी है। अब एक फैमिली फंस गई बड़े होटल में बच्चों सहित, अब इनको बच्चों को लगा पहुंचते ही खाना मिल जाएगा, उनको मालूम नहीं वहां पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। हाय हेलो गुड इवनिंग, मे आई हेल्प यू, आई एम ब्रिगेंजा फूड एंड लॉबी मैनेजर, हेल्प यू। बच्चे, पापा खाना मंगाओ ना, खाना मंगाओ, भूख लगी है। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग दो लोग हैं और दो बच्चे हैं। ओह, फोर पीपल। आप लोग यहाँ बैठ जाएंगे लॉबी में, आपको कुछ मेंबर्स के लिए रूल्स बता दें। देखिए, अगर आप येलो कार्ड मेंबर हैं तो आपको हम एक दाल फ्री देते हैं, और इसमें अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो इसमें क्या, जैसे आप खाएंगे तो उसमें जैसे जो डिश आपकी बच गई खाने से, भाजी से बच गई, तो उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, वहां पर आपका टोकन नंबर लगा देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी खाने के लिए आते हैं तो उस टोकन मैच करके उसको हम लोग फ्राई करके उसको वापस देते हैं, तो उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जस्ट फ्री ऑफ चार्ज स्पेशल गिफ्ट। नहीं, हम लोग तो मेंबर नहीं, आज पहली बार तो आए थे। यू प्रेफर थाई फूड और चाइनीज? हाँ, खाते हम लोग। ओह हो, फिर तो यू गो टू द सीविंग, गो टू सीविंग। समबडी विल, थॉमस हेल्प द गेस्ट, सीविंग, हेलो 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 हेलो, मे हेल्प यू, ग्रीन कुछ कुछ, कम 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 कम, दिस वे दिस वे दिस वे, फिर पूरी फैमिली जा रही, खाना खाना ऐसे जा रहे। देखिए, आप फर्स्ट वज यू टेल मी, यू आर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड? नौकरी पेशा है जी? हाँ, नौकरी करते हैं। ओ, यू गो टू फर्स्ट फ्लोर, कपूर साहब विल बी देयर, ही विल हेल्प यू,
He handling all silly people. खाना मंगाना, खाना। भाई आइए 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 भाई। देखिए अगर हमारे आप मेंबर बन जाते हैं, आप जो है प्लेटिनम मेंबर अगर बनते हैं, इसमें बड़ा बड़ा बेनिफिट है आपको। आप जैसे खुद खाएं और खाने के बाद अगर आप किसी को रेफर करते हैं अपनी जगह, आप खुद नहीं आते हो खाने के लिए, किसी को रेफर करते हैं, तो उस खाने के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे और साल के एंड में क्रिसमस के बाद, अब इन दिनों आप इंजॉय कर सकते हो पॉइंट्स। अगर 1000 पॉइंट हो गए, एक बार किसी को भेजेंगे तो 10 पॉइंट्स होते हैं। अगर 1000 पॉइंट्स हो गए तो आपकी फैमिली को हम लोग पापड़ फ्री देते हैं। फॉर्म भर रहे, नाम पता सब हो गया। एक्सक्यूज मी, योर वेज और नॉन वेज? जी हम लोग शाकाहारी हैं, वेज। ओह माय गॉड, फिर तो आपको शुक्ला जी देखेंगे डी विंग में। थैंक यू। बड़े बड़े बस डिपो हैं जहां बस थक के खड़ी होती हैं, ऐसे पूरे दिन शहर का चक्कर लगा के सब डिपो में खड़ी होती हैं। कोई कोलीवाड़ा से गुजरती है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलने लगती है, कुछ ज्यादा माटुंगा से निकलती है, आज मेरे अंदर कितने लोग घुस गए। आप रात में 11-12 बजे बस डिपो में से झांक के देखो, सब पास पास खड़ी रहती है, उनकी मीटिंग चालू रहती है, एक दूसरे का हालचाल लेती है। सारी बसें खड़ी हैं डिपो में, एसी वाली भी थोड़ा सी हूं तो मेरी तो बात ही कुछ और, पुरानी खड़ी हो रोडवेज बीएसटी बस, एक लाइट फूटी हुई, पतरा निकला हुआ, वही नई वाली बस आके खड़ी। अब बातचीत शुरू हुई, छी बाबा कितना घुसते हैं लोग, कहां से आते हैं इतने लोग, घुसती चली जाती, कभी कभी कितना डर लगता है, डिसबैलेंस होने का डर लगता है मालूम, खड्डे पड़ते हैं, संभालना पड़ता है रास्ते में। पुरानी बस बोलती है, और उसमें बहुत सारे तो चांस मारने को घुसते, और कितने तो ना पॉकेट मारने के लिए घुसते। या आप मत बोलिए, हम लोग बात कर रहे हैं। और कितनी बार मैं ना पूरी फुल होती हूँ, पूरी भारी होती हूँ, कुछ जगह नहीं है, मतलब कहाँ बैठेंगे, कहाँ खड़े होंगे, तो हम लोग कभी कभी स्टॉप पे नहीं रुकती है, तो सीधे निकल जाते, तो कितने हलकट लोग गाली देते हैं, ये नाटक करेगा तेरी, देख लो तेरी ये चले तेरी, हाँ बोलती मैं पीछे, अरे वाह मैं रोकूंगी भी तो तुम कहाँ घुसोगे। तभी एक बस बोली, जुहू सर्कल पे लॉरी वो जब ट्रक रहता ना 14 टायर वाला हैवी लंबा सा, जो ड्राइवर को भी नहीं मालूम होता कितना लंबा लेके चल रहा है, कभी कभी आधा मुड़ जाता है तब देखते हैं पूरा आया क्या। ये ट्रक लोग रहते ना, ट्रक लोग, हम बस लोग को बहुत लाइन मारते बोलती है, वो ट्रक बोलता है ए छावी, क्या बोलती है ए क्या माल है, क्या पुर्जा है। तो बोली कि क्यों तेरे माँ बहन नहीं है क्या, ले तेरे को कौन बोला है, तेरे बदन पे जो पोस्टर चिपकेला ना करीना कपूर का उसको बोल देना। पर मैं सबको बराबर ऑफिस लेके जाती, सबको सब काम कराती है, लेकिन ये ना हलकट लोग मेरे को आग लगाते, कभी हड़ताल विड़ताल करने का ना तो मैं हीच मिलती है, क्योंकि मैं ऐसे किधर अवेलेबल रहती, किसी भी नाके पे खड़ी रहती, मैं किधर बस स्टॉप पे खड़ी रहती। अभी हम लोग किधर भागे, किधर उनको लफड़ा करना होता है मेरे को जलाते, कोई कंपनी में पगार नहीं मिला न्यू मुंबई में जलाते मेरे को, सरकार गिर गई अहमदाबाद में जलाते मेरे को, स्टूडेंट लोग मारा मारी करते कॉलेज में जलाते मेरे को। अरे मेरा क्या लेना देना, अगर मैं नहीं रहती थी ना तो तुम लोग पैदा भी नहीं होते थे, क्योंकि सब बारात मेरे अंदर ही जाती है, इतनी बारात लेके जाती मैं।
और अगर मैं नहीं रहती थी ना, तुम लोगों के बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, सब अंगूठा छाप होते थे, क्योंकि बच्चे स्कूल मेरे अंदर घुस के जाते, समझे ना। तुम लोग बड़ा बड़ा स्टाइल मारते, एरोप्लेन और ये सब बोलते ना, हवाई जहाज वगैरह, वो भी उड़ते नहीं थे, क्योंकि रनवे तक मैं ही लेके जाती है। वो ठीक है, हम लोग का थोड़ा, मेरी थोड़ी मासी है ना, वो थोड़ी बदनाम है, वो थोड़ा उसका लपड़ा है, ब्लू लाइन का, दिल्ली का, मेरी रिलेटिव है, वो किधर भी चढ़ती है, सब फुटपाथ पे, ऐसा फुटपाथ पे चढ़ती है, मगर उसका कसूर नहीं है। तुम आदमी लोग ना हलकट दारू पी पी के बैठ के चढ़ाते किधर भी, समझे ना। अभी ना कैसा भी करके डबल डेकर को बंद करो, हम लोग बहुत शर्म आता है उसको देख के। ये तरीका क्या, अलग अलग चलो ना, एक के ऊपर एक, हम बहुत शर्म दिखता है। पर एक बात तुमको अच्छी है, उस बात का हम लोग को बहुत संतुष्टि है, हमारे अंदर नेता लोग नहीं आते, कोई भी मंत्री वंत्री को मैं लेती ही नहीं है। थैंक यू। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के साथ हम आ गए हैं हमारे इस धमाकेदार एपिसोड के एंड पर। तो स्ट्रगल करते हैं, उसमें से हंसी बड़ी आती है। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो पैसे नहीं है, आइटम नहीं देखते, रेट देखते हैं, रेट 100, 90, 80, 70, 50, 20। हेलो वेटर, ये ले आओ। और पानी लेके आ गया भाई साहब, पानी तो मंगाया नहीं सर, मिनरल वाटर 20 रुपीज। वेलकम बैक टू इंडिया गेट, बासमती राइस राजू हाजिर हो। इस हंसी के सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए बुलाते हैं हमारे गेस्ट को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पर मैंने देखा क्या, बम्बई और पंजाब में बड़ा फर्क है। पंजाब में अगर लड़का लड़की साथ खड़े हो ना तो लोग गलत समझते हैं, अगर यहाँ लड़के के साथ लड़की ना हो तो उसे गलत समझते हैं। लेकिन कुछ भी है यहाँ पर, जैसे कॉमेडियन का काम होता है कॉमेडी ढूंढना, तो यहाँ पर मैंने देखा सबसे ज्यादा हंसाते हैं स्ट्रगलर, जो दूसरे शहरों से फिल्मों में काम करने आते हैं स्ट्रगलर। तो उनके लिए, कईयों के लिए स्ट्रगल क्या होता है, बसों में धक्के खाने, फुटपाथ पे सोना, यही स्ट्रगल है, टेक्निक नहीं पालू। तो यहाँ क्या करते हैं, अगर सबसे पहले डायरेक्टर को मिस कॉल मारते जिससे काम मांगना है, डायरेक्टर परेशान, हाँ जी मुझे यहाँ से शॉट चाहिए फट, टुर, टुर। कौन है बदतमीज सुबह से मिस कॉल मार रहा है। हेलो, हेलो सर, कौन? सर गणेश बोल रहा हूँ। कौन गणेश? सर वो आपको स्नैप्स देके गया था ना ऑफिस में, तो सर एक्चुअली काम चाहिए था। एक तो तुमने मुझसे काम मांगा, ऊपर से मिस कॉल मार रहे हो यार। सर एक्चुअली बैलेंस नहीं था, काम भी नहीं, ओके बाय। तो स्ट्रगल करते हैं, उसमें से हंसी बड़ी आती है। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो पैसे नहीं है, आइटम नहीं देखते, रेट देखते हैं, रेट 100, 90, 80, 70, 50, 20। हेलो वेटर, ये ले आओ। और पानी लेके आ गया भाई साहब, पानी तो मंगाया नहीं सर, मिनरल वाटर 20 रुपीज। अच्छा यहाँ पर आकर भी आशिकी नहीं छोड़ते, आशिकी अपने शहरों वाली आदतें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मांग के कपड़े पहनते, मांग की बाइक, तेल नहीं होता, जब किक मारते हैं किक से आवाज आती है, टिंग टोंग टिंग। किक मारने से पहले कृपया टैंकी चेक कर लें। तो पेट्रोल पंप पर जाते हैं, हेलो भाई साहब कम से कम कितना डल सकता है, कम से कम 50 का डलवा लो। ओए कम से कम बात कर रहा हूँ, ऐसे कर 20 रुपए में टैंकी फुल कर दे। इतना डलवा के क्या करोगे? ओए प्यार करने वाले पैसे की परवाह नहीं करते। Thank you.